Hello, good morning. How are you all, my lovely friends? Thank you so much for coming. Join my channel. My channel name is Uzirabita. And today I am going to share with you a one sweet dish. It's a jalebi yes. And in Bengali, it's called jilipi. So, uh, first of all, I request to all my friends, if you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon for every new notification, and share my video and like my video, and please watch full video. सो नाओ वी विल स्टार्ट टू मेक आ जलेबी तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा और फ्लावर uh, लिया है टू टी स्पून एंड उसके साथ आई एम गोइंग टू एड आ ड्राई ईस्ट एंड ड्राई ईस्ट इज अवेलेबल इन एनी डिपार्टमेंटल स्टोर एनी ग्रोशरी शॉप सो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ड्राई ईस्ट जो है वो यूज़ किया है एंड uh, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वाटर लिया है एंड आई एम गोइंग टू मिक्स एट तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है एंड यू कीप दिस थिंग्स ट्वेल्व टू फिफ्टीन आवर्स ओवर नाइट अगर आप इसको रख दोगे तो इट विल बी बेटर एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर्मेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सो यू कैन सी मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला बोल लेके इसको uh, दिया है इसके अंदर बिकॉज फॉर्मेशन uh, के लिए इट्स मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड सो मैंने इसको कॉवर uh, कर दिया है एंड कीप इट इन नॉर्मल टेम्परेचर उसके बाद दिस इज अ जेलिपी कोन ये आपको कोई भी ऑनलाइन पोर्टल uh, में मिल जाएगा लाइक एमजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील कहीं पे भी आपको मिल जाएगा एंड आई चूज द सिंपल वन कोन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कोन फिक्स करके फिर इसको कवर जो है मैं अटैच कर रही हूँ अगर आपके पास ये कोन नहीं हो तो आप कोई भी प्लास्टिक का ग्लास हो तो उसमें वो पानी पीने का जो ग्लास होता है ना टम्बलर उसमें आप थोड़ा सा होल करके कर सकते हो एंड आफ्टर ओवर नाइट माई बैटर इज लुकिंग लाइक दैट एंड थोड़ा सा स्टीर कर लो स्पून से यस yes. एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट दिस बैटर इन दिस कोन तो आप देख सकते हो आ, कोन के अंदर में जो बैटर हैं मैंने दे दिया है एंड बैटर शुड बी लाइक दिस ओनली नॉट वेरी थिन नॉट वेरी थिक मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए ये जो मैंने कंसिस्टेंसी जो रखा है द डेंसिटी दिस इज परफेक्ट सो आप देख सकते हो इसके अंदर इसको भरना है उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आई एम गोइंग टू यूज सम असली देसी घी फॉर फ्राइंग द जलेबी आप घी से इसको फ्राई करोगे तो इसका जो टेस्ट है इट विल बी ऑसम तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही घी इसमें लिया है बी टेबल स्पून का टू टेबल स्पून मैंने घी लिया है उसके बाद आप देख सकते हो राउंड शेप में टू राउंड एंड हाफ राउंड मैंने इसको फ्राई कर लिया है एंड इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है फ्राई करने के बाद आई एम गोइंग टू मेक सुगर सिरप और रस जिसको बोलते हैं शुगर सिरप के लिए हमें आ, जो चीज़ लगेगा वो मैं बोल देती हूँ आपको वो है शुगर चीनी एंड जाफ़रन और, और सेफ्रन एंड वाटर उसको आप बॉयल करके मिक्स करके बॉयल करके थोड़ा स्टिकी स्टिकी बना लो या दिस इज अ सुगर सिरप स्टिकी स्टिकी बना लो एंड कीप दिस सुगर सिरप बिसाइड योर जेलेबीज एंड उसके बाद आप थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इमीडिएटली यू डीप इट एंड ज़्यादा देर तक नहीं रखना है सो so, uh, हो गया तैयार आपका जेलेबी एंड थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल माय चैनल नेम इज इजी विमिता बाय बाय सी यू एंड फिर मिलेंगे टाटा बाय बाय लव यू